फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी देने वाली हूँ जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए, फ्रंट साइड पे लगभग ठीक है, फिर भी यहाँ पे देखिए हल्का सा फुलान फुलान हुआ है इस साइड पे, और बैक साइड पे देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इस साइड पे बराबर ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा है। ऐसे खींचने में भी ये फुलान जाता नहीं, बिल्कुल बराबर यहाँ पे फुलान रह जाता है। और अंदर की तरफ देखिए कोई भी फुलान नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे क्यों होता है, तो ब्लाउज पे ये दिक्कत क्यों होता है? तो एक्चुअली आप लोग जब ब्लाउज कटिंग करते हो उस टाइम पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले अस्तर काट कर लेते हैं, बाद में ब्लाउज का फैब्रिक काटते हैं। तो अस्तर का जो फैब्रिक है क्या होता है, धुलाई के बाद ये छोटा हो जाता है, और जो ब्लाउज का फैब्रिक है जितना पहले था उतना ही रह जाता है। तो जिसके कारण अस्तर अंदर की तरफ छोटा पड़ता है और ब्लाउज का फैब्रिक ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे ऐसे फुलान होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले ब्लाउज का फैब्रिक काट कर लीजिएगा, उसके बाद अस्तर काटना है। तो ब्लाउज का फैब्रिक कटिंग करने के बाद अस्तर कटिंग करते वक्त आपको क्या करना है, देखिए सपोज ये एक अस्तर है और ये ब्लाउज का फैब्रिक है, देखिए आपको देखिए चारों ओर घुमा के लगभग एक सूत फैब्रिक ज्यादा लेना है, मतलब एक सूत अस्तर आपको ज्यादा करके ऐसे काट कर लेना है। तो देख, इस तरीके से चारों ओर घुमा के जितना भी ब्लाउज का पार्ट है, बैक और फ्रंट आस्तीन, जितना भी ब्लाउज का फैब्रिक है, पूरा फैब्रिक पे आपको इस तरीके से थोड़ा सा फैब्रिक ज्यादा करके लेना है, मतलब थोड़ा अस्तर ज्यादा करके लेना है। अस्तर ज्यादा करके लेने के बाद सिलाई करते वक्त इसको अंदर दबा दबा के जो ब्लाउज का फैब्रिक है इसकी बराबर करके आपको सिलाई कर लेना है। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा। तो उस तरीके से सिलाई करने के बाद क्या होता है, ब्लाउज पहनने के बाद या धुलाई करने के बाद अस्तर बिल्कुल ब्लाउज के बराबर हो जाता है, बाहर की तरह कभी भी आपका ऐसे फुलान देखने को नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अस्तर पहले काट लेते हैं उसके बाद ब्लाउज का फैब्रिक काटते हैं, जिसके कारण आपको ये दिक्कत होता है। फ्रेंड, छोटा सा जानकारी है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आने पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।